कैसी प्रॉब्लम्स जो हैं बच्चों को फेस करनी पड़ती हैं स्कॉलरशिप में मैम जैसे मैंने आपको बताया कि जब बच्चों की स्कॉलरशिप आती नहीं है तो यूनिवर्सिटी क्या करती है उनके रिजल्ट रोक लेती है ऐसा आप अपनी पार्टी के अंदर क्या देख रहे हैं कि आप बाकियों के साथ डिफ्रेंश कर रहे हैं हमें कोई ऐसा कोई सपोर्ट नहीं है हम स्टूडेंट एक पॉलिटिकल की तरह चल रहे हैं स्टूडेंट राइट्स की बात करेंगे स्टूडेंट्स की बात करेंगे तो हम जो स्टूडेंट्स की जितनी भी चीज़ें हैं उनको ही मद्देनजर रखते हुए काम कर रहे हैं आप इसके ऊपर क्या कर रहे हैं हम ये करेंगे कि कमेटी बनाई जाए और उसमें पर्टिकुलर बच्चे इंक्लूड हो चाहे वो गर्ल्स हॉस्टल की बात हो या बॉयज़ हॉस्टल की बात हो कुछ समय पहले हॉस्टल के खाने में से कॉकरोच निकला था वो काफी ज्यादा जो मुद्दा उठा था उस टाइम पे तो उसको लेके क्या कहना मुझे लगता है कि वार्डन्स को वहां देखना चाहिए इंस्पेक्शन करनी चाहिए सरप्राइज इंस्पेक्शन करो आप ये नहीं कि आप टीम लेकर आ रहे हो क्योंकि अगर टीम लेके आते हो तो हॉस्टल वालों को पहले ही पता चल जाता है कि टीम आ रही है तो वो क्लीन पहले से ही करना चालू कर देता है अम्बेडकर स्टूडेंट्स फॉर्म ये वाला जो नेम है ये कैसे सोचा ये नेम इसलिए सोचा क्योंकि हम अम्बेडकर जी की जो आइडियोलॉजी थी उनकी विचारधाराएं थी उनको फॉलो करते हैं ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰੁਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਔਨ ਏਅਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ اے ਐਸ ਐਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਲਕਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਹਾਂਜੀ ਅਲਕਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ Uh, मैम इस बार हमारी जो ए एस एफ पार्टी है वो पहली बार इलेक्शन लड़ रही है पंजाब यूनिवर्सिटी में तो हमने जो मोटिव रखा है वो मोस्ट प्रोबेबली uh, एक तो एजुकेशन का रखा है एजुकेशन में हमने लाइब्रेरी का रखा है लाइब्रेरी के एक्सेस का रखा है और हमने ये देखा है कि जो बाकी साउथ कैंपस में भी लाइब्रेरी अभी ओपन नहीं है हम सोच रहे हैं कि वहाँ पर भी हम लाइब्रेरी ओपन करवाएँ और नॉर्थ कैंपस में ये जो गुरु तेग बहादुर वाली लाइब्रेरी काफ़ी टाइम से मैंने सुना है कि कोविड के बाद से ये बंद है पहले कोविड से पहले ये ओपन थी तो मेरे को लगता है कि ये खुलनी चाहिए क्योंकि उसके पास ही जितने भी गर्ल्स हॉस्टल है वो सारे पास हैं तो जो लड़कियां होंगी वो रात को वहाँ पढ़ने आ सकती है उनके लिए थोड़ा सेफ रहेगा और वो वहां बैठ के एकदम मतलब पढ़ सकते हैं जो आपके पार्टी का नाम है अंबेडकर पार्टी अंबेडकर स्टूडेंट्स फॉर्म इस ये कैसे आपने ये वाला जो नेम है ये कैसे सोचा मैम हमने अंबेडकर स्टूडेंट फोरम ये नेम इसलिए सोचा क्योंकि हम अंबेडकर जी की जो आइडियोलॉजी थी उनकी विचारधाराएं थी उनको फॉलो करते हैं और ऐसा नहीं है कि मतलब ये अभी से हमने ये नाम सोचा था हम जब से पैदा हुए हैं हम जब से ही उनकी आइडियोलॉजी को मानते हैं उनके विचारों को मानते हैं अम्बेडकर जी ने ही हमें यहाँ तक यूनिवर्सिटी तक पहुँचाया है तो हम उन्हीं के नाम से शुरू करना चाहेंगे बच्चे इस बार अपने क्या क्या जो दिक्कतें आपको बता रहे हैं कि इस तरीके से ये हमारी प्रॉब्लम्स हैं आप ये सॉर्ट आउट करो किस तरह की प्रॉब्लम्स उनको आ रही हैं मैम यूनिवर्सिटी में बहुत सारी दिक्कत आ रही है अभी आप देखो तो अगर मैं टीचिंग डिपार्टमेंट्स की बात करूं तो टीचिंग डिपार्टमेंट्स ने अपना टाइम टेबल बना दिया है लेकिन टाइम टेबल के अकॉर्डिंग लेक्चर्स नहीं लगते हैं वहां पर जो प्रोफेसर्स वग़ैरह हैं वो गेस्ट फैकल्टी को अपने लेक्चर दे चले जाते हैं और गेस्ट उनके बिहाफ पे गेस्ट फैकल्टी वो लेक्चर ले रही है तो हमें ये है कि डिपार्टमेंट्स में रिक्रूट करो वैकेंसीज़ निकालो ताकि जो रिसर्च स्कॉलर हैं वो आके भी यहाँ पर रिक्रूट हो सके एडॉक टीचर आ सके और मैम ये देखा गया है कि यहाँ पर मतलब हॉस्टल्स uh, में बहुत दिक्कत आती है तो जो हॉस्टल में आपने देखा होगा कि इंडिया में पार्लियामेंट में बहुत सस्ते दामों पे खाना मिलता है हम यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आए हैं हम अभी कमाते नहीं हैं तो हमें ये है कि रीज़नेबल प्राइस में जो हम पे कर सकते हैं उस अमाउंट में हमें अच्छा खाना मिले ताकि हम अच्छे से पढ़ सकें और हमारी हेल्थ सही रहे आपने देखा होगा अभी जब एनुअल फंक्शन था तीन नंबर गर्ल्स हॉस्टल में खाने की वजह से लड़कियों को बीस पच्चीस लड़कियों को डायरिया हो गया था तो ये है कि जो पानी की क्वालिटी है वो क्लीन रखो उनको साफ़ रखो टैंक वगैरह जो है वो टाइम टू टाइम क्लीन हो सके आपने खाने की बात की तो खाने को लेकर मेरे को एक और सवाल याद आया है कि कुछ समय पहले यूनिवर्सिटी के खाने में हॉस्टल हॉस्टल के खाने में से कॉकरोच निकला था वो काफ़ी ज़्यादा जो मुद्दा उठा था उस टाइम पे तो उसको लेकर क्या कहना चाहिए मैम ये है कि जो हॉस्टल के वार्डन्स वग़ैरह हैं जितने भी हैं मुझे लगता है कि वार्डन्स को समटाइम्स ना आ, मतलब वहाँ देखना चाहिए इंस्पेक्शन करनी चाहिए सरप्राइज इंस्पेक्शन करो आप ये नहीं कि आप टीम लेकर आ रहे हो क्योंकि अगर टीम लेकर आते हो तो हॉस्टल वालों को पहले ही पता चलता

काफ़ी पार्टीज़ जो हैं अपोजिशन में और भी खड़ी हैं काफी हर पार्टी का अपना अपना मैनिफेस्टो है बट आप अपनी पार्टी को और पार्टीज के साथ डिफ्रेंशिएट कैसे कर रहे हैं ऐसा आप अपनी पार्टी के अंदर क्या देख रहे हैं कि आप बाकियों के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं मैम हम डिफ्रेंशिएट ये कर रहे हैं कि जो बाकी पार्टीज हैं आपने देखा होगा उनके जितने भी मैनीफेस्टोज़ हैं या जो भी मतलब वो रैलीज़ वगैरह निकालती हैं वो काफ़ी मतलब बजट वाली करती है हम एक स्टूडेंट है हम इतना अफोर्ड कर नहीं सकते हैं, हम एक आम इंसान के बजट इन देंस मैम उनको बाहर की तरफ से भी बजट मिल जाते हैं कभी कभी पॉलिटिकल किसी लीडर्स की तरफ से हमें कोई ऐसा कोई सपोर्ट नहीं है हम स्टूडेंट एक पॉलिटिकल की तरह चल रहे हैं स्टूडेंट राइट्स की बात करेंगे स्टूडेंट्स की बात करेंगे तो हम जो स्टूडेंट्स की जितनी भी चीज़ें हैं उनको ही मद्दे मद्देनजर रखते हुए काम student कर रहे हैं राइट्स को लेकर क्या क्या उठाना चाहेंगे स्टूडेंट राइट्स के अंदर मैम uh, जैसे आपने देखा होगा यूनिवर्सिटी में पी स्कॉलरशिप है हर बार पी स्कॉलरशिप में प्रॉब्लम्स आती है यूनिवर्सिटी क्या करती है जिन बच्चों को स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए उन कैंडिडेट से भी फ़ीस वसूल कर लेती है तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है अगर आप किसी बच्चे को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करा रहे हो तो उस बच्चे को हक दो ना कि वो ले सके और मैम आप देखोगे कि हॉस्टल में जो बिलो इक्विलिटी लाइन है उसके नीचे जो कैंडिडेट्स हैं उनको जो मेस का फूड है वो भी आप मतलब फ्री करवाइए ऐसी कुछ है पॉलिसी है या फिर आप ये पॉलिसी लेके आना चाहते हैं मैम यूनिवर्सिटी में ये पॉलिसीज़ हैं पहले से हैं बीच टाइम में रुक जाती हैं तो इनके बारे में चर्चा होती नहीं है फिर वही चीज़ें होती हैं कि वो लागू नहीं हो पाती मेट्रिक स्कॉलरशिप की बात की तो कैसी प्रॉब्लम्स जो हैं बच्चों को फेस करनी पड़ती हैं स्कॉलरशिप में मैम जैसे मैंने आपको बताया कि जब बच्चों की स्कॉलरशिप आती नहीं है तो यूनिवर्सिटी क्या करती है उनके रिज़ल्ट रोक लेती हैं जिस कारण क्या होता है जब रिजल्ट रुक जाते हैं तो वो अपने नेक्स्ट जब मतलब एडमिशन होते हैं तो वो एडमिशन में मतलब एनरोल नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास डिग्री नहीं होती है यूनिवर्सिटी बोलती है कि विदाउट डिग्री के आप एडमिशन ले ही नहीं सकते हो तो वो डिले करती रहती है तो hame ye hai ki aap jaldi se jaldi unki jo degree hai unko roka na jaye wo bhi release kari jaye taki wo bhi aage enroll karwa sake thank you bahut bahut dhanwad ta eh appa gal baat kiti hai is time abmed ka student forum de jehde candidate is time khad rahe ne alka ta hun dekhna eh hovega ki 5 september nu ki result ki natije jehde ne oh sham nu nikal ke aunde ne te ehho jiya naviyan de taziyan updates layi jude raho sade nal camera person tejendra de naal main karuna sharma